हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का लेसन लॉस्ट स्प्रिंग को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी राइटर हैं अनीस जंग। तो सबसे पहले राइटर के बारे में बात करते हैं। अनीस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ, बचपन उनका हैदराबाद में बीता। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, एजुकेशन उन्होंने हैदराबाद में पाई एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हायर एजुकेशन उन्होंने अमेरिका में पाई। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, एक राइटर के तौर पे करियर शुरू करा इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े अखबारों में एडिटर रहीं और कॉलम लिखती रहीं एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सी किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लेसन है ये उनकी एक किताब लॉस्ट स्प्रिंग का हिस्सा है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका नाम है स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पर बात कर रही हैं वो अत्यधिक गरीबी और उन परंपराओं की, विच कंडेम्ड दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को एक शोषण की ज़िंदगी जीने पर मजबूर करता है। ओके, आइए लेसन शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। हुम, जो। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मुझे एनकाउंटर मीट मिल जाता था हर सुबह। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंगिंग मीन्स सर्च में, तलाश में सोने की। इन द गारबेज डम्स, कूड़ों के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, इस बच्चे का नाम था साहिब, जिसने अपने घर को बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ढाका के वो हरे भरे मैदानों से आया था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद भी नहीं थी। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स, ऐसे बहुत से तूफान, दैट स्वेप्ट अवे, जिसने सब उड़ा दिया, बिखेर दिया देयर फील्ड्स एंड होम्स, उसके घरों को और उनके खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती थी। ये बात है 1971 के आसपास की, बंटवारे के बाद, जब ऐसे तूफान आए बहुत, और बहुत से लोग बांग्लादेश, जो बाद में बना पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ से इंडिया लोग आए, उनकी कहानी थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, सोने की तलाश में इस बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, मेरे पास और कोई काम नहीं है, दूसरों को देखते हुए वो मटर बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, अरे भाई स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने बड़े सहजता से कहा। रियलाइजिंग, अनुभव करते हुए, इमीडिएटली मैंने तुरंत, हाउ हॉलो, कितना खोखला था द एडवाइज, ये मशवरा, मस्ट साउंड सुनाई देता था जो मैंने उससे कहा था। बड़ा आसान होता है ना दूसरों को ऐसा कहना कि तुम ऐसा करो, पर बहुत मुश्किल होता है ऐसा कर पाना। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब वे बनाए देंगे ऐसा स्कूल तो भाई मैं भी स्कूल चला जाऊँगा, ऐसा साहिब ने राइटर अनीस जंग से कहा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, आधे मजाक के मूड में, राइटर ने ऐसा कहा। यस, हाँ, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, पूरी मुस्कुराहट के साथ, हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी, कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ हिम्मा ने उसे, रनिंग अप टू मी, मेरी ओर भाग कर आता है और पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल खुलने में टाइम लगता है, आई से, मैंने कहा इम्प्रेस्ड, लेकिन मैं खुद शर्मिंदा थी एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ऐसा वादा करने के बाद, दैट वॉज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ ना हो। बट प्रोमिसज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे ऐसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके एक बंजर संसार में ऐसे हज़ारों वादे भरे हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के बाद, उसके जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा।
साहेब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता इसका अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, काश वो इसका अर्थ जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का, दुनिया का राजा। ही वुड हैव हार्ड बिलीविंग इट, वो बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाएगा। अन अवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम की जो महत्व है, जो अर्थ है, उससे अनअवेयर व अनजान, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में भागता रहता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, नंगे पैर वाले बच्चों की एक सेना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की चिड़ियों की तरह दिखाई देती है। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं सबको धीरे धीरे जानने लगी थी। वाई वर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने ऊपर अलमारी से उसे उतारा नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने सामान्य जवाब दिया। इवन इफ शी डिड, अगर वो ऐसा करेगी भी, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो भी वो जूते पहनेगा नहीं, फेंक देगा। एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक ऐसे बच्चे ने कहा जो डिफरेंट कलर के जूते पहना हुआ था, मैचिंग नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया। ही शफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को घसीटा। एंड सेज नथिंग, और बोला कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने पूरी ज़िंदगी में एक जोड़ी जूता भी पाया नहीं, मिला नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की यात्रा करने के दौरान, आई हैव सीन, मैंने देखे, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट, बच्चे नंगे पैर टहलते हुए इन सिटी, शहरों में, विलेज रोड, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इस सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा थी, टू स्टे बेयर फूट, नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक व्याख्या लोगों ने या उत्तर दिया। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ऑनली एन एक्सक्यूज, सिर्फ ये बहाना है टू एक्सप्लेन, इस बात का जवाब देने के लिए, व्याख्या करने के लिए। अवे या परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी निरंतर बहाना देना गरीबी के बारे में, कहीं ये सिर्फ झूठा बहाना तो नहीं, या गरीबी छिपाने का एक जरिया तो नहीं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे कहानी याद आती है। अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई। एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पीछे पार करते हुए। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो उस मंदिर पर जाके रुक जाया करता था और प्रार्थना करता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैंने उस कस्बे का दौरा किया। एंड द टेम्पल, उस मंदिर का, विच वॉज नॉट ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ डिजोलेशन, जो अब बुरी तरह से एक उजाड़ बन चुका था, एक तरह से नष्ट हो चुका था। इन द बैकवर्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, अब उसके पीछे जहाँ एक नया पुजारी रहता था मंदिर के, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ पड़ी थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नया सा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहन के, वियरिंग शॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहने हुए, अराइव्ड पेंटिंग, हाँकता हुआ आया किसी स्कूल से। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, स्कूल बैग फेंका ऑन ए फोल्डिंग बेड, बिस्तर पर जो बिछा हुआ था। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की ओर देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे याद आई वो प्रार्थना अनदर बॉय, किसी बच्चे ने हैड मेड की थी टू द गॉडेस, देवी माता से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे आखिर में अंततः एक जोड़ी जूते मिले। लेट मी नेवर लॉस्ट देम, मुझे ये जूते कभी खोना नहीं है देवी माँ। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे बच्चे जैसा कि वो पुजारी का बेटा, नाउ वोर शूज, अब जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स,
लेकिन उन कबाड़ बालों के बच्चों की तरह जिनमें एक साहब भी था, ऐसे बहुत से बच्चे थे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, आज भी जूतों के बगैर थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेसन का शेष भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, टिल देन बाय, लॉट्स ऑफ लव, सी यू।